आपके मेहरौली पिलर से लेकर आर्यभट्ट की थ्योरीज प्लस आपके लिटरेचर में आपका अभिज्ञान शाकुंतलम और बाकी सारे, तो ये एक तरह से ये ग्रेटर इंडिया का प्रभाव था, और वो इसलिए था बिकॉज देश समृद्ध था और पॉलिटिकली यूनाइटेड था अंडर वन वन एम्पायर वन वन एम्परर। अच्छा जी, एंड आई थिंक बिल्कुल सही कहा। जो अगर आपने, चूंकि आपने बात की अबाउट द काइंड ऑफ लिटरेचर, तो लिटरेचर पे तो हमने देखा, इनफैक्ट मैंने इनफैक्ट थोड़ा सा सर्च किया था। तो जो सबसे, जो जिसको कहा जाता है सबसे अच्छे या सबसे लिटरली, जो जो सबसे ज्यादा हमारे, जो जिसको लिटरली ट्रेजर्स कहा जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्पोजिशंस वो इसी समय में हुए हैं। तो जस्ट मैं थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए, मैं आपको थोड़ा देर के लिए मैं थोड़ा लिटरेरी पे बता दूं, चूंकि बात उस पर आई थी। तो आई वाज जस्ट शोइंग इट अनदर थिंग, 1 सेकेंड रुकिएगा। सो लिटरेरी पे अगर हम बोले अबाउट द, जैसे कि इन्होंने तो सिर्फ प्रसून जी ने खाली सिर्फ कालिदास की बात की, बट अगर हम ओवरऑल कहें तो वहां पे लिटरेरी जो महानतम जो हमारे राइटर्स थे, वो सबके सब यहाँ पे थे। जो सबसे राइट फ्रॉम विशाखा दत्ता, भास, सुद्रक भुवती, और ऑब्वियसली कालिदास जी तो हैं ही, उनकी तो बात ही अलग है। इनफैक्ट हरी सेना, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के सेकेंड प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी, उनको भी काफी हद तक, जिन्होंने प्रयाग प्रतिष्ठि लिखवाई थी या कंपोज की समुद्रगुप्त थे। आई थिंक, अच्छा वो समुद्रगुप्त के थे, तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम, मुझे कंफ्यूजन हो गया था, थैंक्स फॉर करेक्टिंग। वो भी प्रॉबली एक बहुत बड़े पोएट थे, क्योंकि उनका मतलब वो जो इंटायर प्रतिष्ठि है वो बहुत ही अच्छे पोएटिक वे में लिखी हुई है। और इनके बाद यहाँ, जैसे कि उस जमाने के जो जितने भी हमारे लिटरेरी जो रिसोर्सेज हैं, या लिटरेरी जितने भी हमें चीजें मिली हैं, दे आर स्टिल डेट कंसिडर्ड टू बी द अमंग द बेस्ट लिटरेरी वर्क्स इन संस्कृत। पहले जो मेघदूत कालिदास जी की कहानी है, सॉरी कविता है रादर, दैट इज अबाउट अ यक्ष जो कि मेनलैंड इंडिया में है, और उसकी वाइफ बिलेवड है वो अलकापुरी में रहती है। अलकापुरी इज अ लेजेंडरी लैंड जो काफी समय से है, वो हिमालय के बीच में कहीं पर है, विच इज टू बी द अबोड ऑफ यक्षस। तो वो मेघों को बोलता है कि मेरी वाइफ को ये मैसेज, या मेरी बिलेवड को ये मैसेजेस पहुंचाओ। एंड राइट फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया, तो उसने उसने एक, वो जो पूरा का पूरा पोएम है वो पूरी तरह से ज्योग्राफिकल एरियाज को, ज्योग्राफी को पूरा डिफाइन करता है, कि चलने के बाद किस तरह से चीज, मतलब कहाँ कहाँ उसको क्या मिलेगा, एंड एवरीथिंग राइट फ्रॉम द मेनलैंड इंडिया टू द हिमालयाज। और दैट हैज बीन वेरी ब्यूटिफुली पोर्ट्रेड इन टू अ पोएम, इंटायर ज्योग्राफी ऑफ अ लैंड इन अ पोएटिक फॉर्म। और वो ये है, आगे चल के अगर दूसरी उनकी कविता है, दूसरा उनका एपिक है रघुवंशम, तो वो पूरा का पूरा रघुवंश के जीनोलॉजी को बताता है, राइट फ्रॉम रघु, हु इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिन ऑफ रघुकुल, टू अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं, बिकॉज हम तो जीनोलॉजी में, मतलब इक्ष्वाकु वंश में भी ज्यादा नहीं जानते, वी ओनली नो टू टिल रामास सन्स और ग्रैंड सन्स। ये अग्निवर्ण के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन एक पूरे हिस्टोरिकल अकाउंट की तरह उन्होंने रघुवंश लिखा गया है, लिखा है। हालांकि लोग कहते हैं कि रघुवंश इज मोस्टली गुप्ता एम्पायर की, गुप्ता डायनेस्टी की कहानी है, विच दे हैव यूज्ड द नेम्स ऑफ रघुवंश एंड प्रिपेयर्ड एन एपिक। लेकिन जो भी हो, उन्होंने बहुत एक जीनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक हिस्टोरिकल अकाउंट की तरह ये पूरी की पूरी एपिक लिखी है। और ऑब्वियसली अभिज्ञान शकुंतलम के बारे में तो हम बता ही दिया है अभी प्रसून जी ने, वो दैट इज अबाउट द गंधर्व विवाह बिटवीन दुष्यंत एंड शकुंतला, हु वर द पाइनियर्स ऑफ द भरत वंश। दिस अभिज्ञान शकुंतलम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द 100 बेस्ट लिटरेरी वर्क अक्रॉस द ग्लोब, इन एनी लैंग्वेज, इन एनी प्लेस, ये उस टॉप 100 में आता है, ये एक बुक है। दूसरे मार्वलस राइटर की बात करें तो भास, जिनके बारे में कालिदास जी भी अपना, जिनको कालिदास जी हमेशा एक एडमायर करते थे और सोचते थे कि मुझे इनके लेवल तक पहुंचना है,
भास की कविता है अबाउट स्वप्नवासम दत्ता, दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम, वन ऑफ द बेस्ट संस्कृत, वन ऑफ द टॉप 5 और टॉप 10 संस्कृत के जो हमारे कॉम्पोजिशन है, दैट इज द लव स्टोरी बिटवीन किंग उदयन. किंग उदयन हिरण्यक डायनेस्टी के राजा थे, ही वॉज द ग्रैंड सन ऑफ बिम्बिसार इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और उनकी कहानी विद द लव स्टोरी ऑफ द ऑफ प्रिंसेस वासम दत्ता, वो भी एक बहुत ही प्यारा प्ले है. आगे चले तो मुद्रा राक्षस भी अगेन अ हिस्टोरिकल फिक्शन, या हिस्टोरिकली हिस्टोरिकल फिक्शन ही कहा जाएगा, अबाउट मुद्रा राक्षस हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ लास्ट नंदा किंग धनानंद, और उनका जो भी कॉम्पिटिशन या उनकी थॉट प्रोसेस जो भी थी अगेंस्ट चाणक्य. अगेन फिर शूद्रकाल की मृच्छकटिका भी थी. मृच्छकटिका इज अ जनरल पब्लिक स्टोरी वेयर अ कोटसियन एंड अ ब्राह्मिन फॉल इन लव विथ ईच अदर. तो ये तो खैर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टोरीज, लेकिन आप मैं ये कहना चाहती थी कि हिस्ट्री ज्योग्राफी अब हर चीज हिस्टोरिकल फिक्शन हर चीज़ को इन लोगों ने इतनी खूबसूरती से कहानियों में पोएम्स में एनरोल करके रखा था दैट दीज आर स्टिल कंसिडर्ड टू बी अ वंडर इन द लिटरेरी वर्ल्ड अक्रॉस द ग्लोब. जी आप लिटरेरी देख लीजिए, आप खत्म कर लीजिए लिटरेरी का. तो उसके बाद एक जो इन फीचर्स के बारे में इन लिटरेरी फीचर्स के बारे में मुझे एक बात बतानी थी कि इनकी जितनी भी कहानियां होती थी या जितने भी कॉम्पोजिशंस होते थे वो हमेशा हैप्पी एंडिंग वाले कॉम्पोजिशंस होते थे. दे नेवर वर काइंड ऑफ ट्रेजिक एंडिंग्स जो कि क्लासिकल लिटरेचर स्पेशली वेस्टर्न क्लासिकल लिटरेचर. मैं बीच में थोड़ा सा आना चाहूंगा. दैट इज द रूल ऑफ द थंब एज फार एज संस्कृत ड्रामा इज कंसर्न्ड. संस्कृत ड्रामा में एंडिंग इज ऑलवेज ऑलवेज हैप्पी. देर आर ओनली 3-4 एक्सेप्शंस. वन इज नागानंदा बाय हर्ष, अनदर वन इज कर्णभरम फ्रॉम भास, एंड अनदर वन इज आल्सो फ्रॉम भास जहां पर उसने दुर्योधन को मेन हीरो बनाया. जी जी मैं उसी की बात कर रही थी कि ये जो कर्णभरम या स्पेशली उरुभंगम को भी हम पूरी तरह से नेगेटिव या ट्रेजिक एंडिंग नहीं बोल सकते. मैंने इनफैक्ट उसका एग्जांपल भी दिया था बिकॉज उरुभंगम और उसका हीरो जो था वो दुर्योधन था. एज पर महाभारत वी नो दैट दे लूज और उसके बाद पांडव राजा बन जाते हैं, लेकिन उरुभंगम को उन्होंने वैसा भी एंड नहीं दिया था. उरुभंगम ऑन द कॉन्ट्ररी एंड्स व्हेन दुर्योधन्स फ्रेंड एंड लास्ट कमांडर इन चीफ जो कि अश्वत्थामा थे, उन्होंने अपने उन्होंने पांडवों को मार दिया. ऑल्दो दुर्योधन डाइज एट द एंड विच कैन बी कॉल्ड एज स्लाइटली ट्रेजिक क्योंकि मेन हीरो मर रहा है, लेकिन फिर भी ये एंड होता है कि उसके सारे दुश्मन मर जाते हैं और उसका बेटा दुर्जय वो राजा बनता है. सो अगेन डिस्पाइट बीइंग मतलब इवन दे वेंट इन द ऑपोजिट फ्रॉम द हिस्ट्री और द एक्चुअल नरेशन टू शो टू गिव एटलीस्ट अ हैप्पी एंडिंग. उनकी पूरी कहानी में कुछ भी बातें चेंज नहीं है मोस्टली, लेकिन उन्होंने एंड चेंज कर दिया टू मेक इट एटलीस्ट स्लाइटली हैप्पी. जी आपको नहीं लगता ये प्रसून जी? हेलो क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? कंफ्यूज ना? नहीं आ रही है आपकी आवाज. जी मैं वही कह रही थी कि इवन थोड़ा सा कुछ हद तक इवन इसको भी कर्णभरम में भी ऑल्दो कर्णभरम में भी लास्ट उसका ये नहीं होता है व्हेन ही एक्चुअली कर्ण डाइज. दे जस्ट स्टार्ट विथ हिम गोइंग इनटू द बैटलफील्ड ऑन द लास्ट डे. आई थिंक ही डाइड ऑन डे 17 और डे 17 बता देते हैं. इसमें भी उन्होंने यही किया. दे नेवर एक्चुअली शोड और नेवर एक्चुअली मेड द रियल पर्सन एज अ लूजर और जिसके साथ बुरा लग रहा है. ये जो ट्रेजिक थी जिसको कहा जाएगा वो भी पूरी ट्रेजेडी नहीं होती थी. मैं आपकी आपकी राय पूछ रही थी इस पे. देखिए मैंने जैसा पहला कहा है कि जो आपके संस्कृत लिटरेचर का थंब रूल ये है कि एंडिंग में हीरो कभी मरना नहीं चाहिए एंड देयर शुड बी मतलब हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए. हीरो हीरोइन मिल जाते हैं वगैरह वगैरह जो भी होता है. आप कह सकती हैं अपना विचार आपने रखा अच्छी बात, बट हीरो को मरना नहीं चाहिए. इफ इफ भाष इज प्रेजेंटिंग दुर्योधन एज अ
हीरो एंड एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत कैसी थी वो बता रहा है, देन ही विल जस्टिफाई ईच एंड एवरी एक्ट ऑफ दुर्योधन, बट लास्ट में देन उसकी डेथ हो जाती है एंड 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 ऐसा होता नहीं है। आप नागानंदा पढ़ेंगी हर्ष का, उसमें जो हीरो है ही सेक्रीफाइसेस हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू सेव हिज फेलो फेलो पीपल्स, उसके राज्य के लोग, उनको बचाने के चक्कर में वो गरुड़ देवता को अपना शरीर अर्पित कर देता है। सो अगेन हीरो वहां पर भी ट्रेजिक मरता है, बट दीज आर ओनली एक्सेप्शंस। संस्कृत लिटरेचर, चाहे आप शूद्रक की पढ़े, चाहे आप कालिदास को पढ़े, चाहे भास को पढ़े, भास के दूसरे अच्छे नाटक भी हैं, और चाहे आप देवी चंद्रगुप्तम जो मैनुस्क्रिप्ट है वो पढ़े, कमोद की महोत्सवा जिसको एक लेडी ने लिखा है जिसका नाम है विजिता, वो पढ़े। देर इज ऑलवेज, उसमें भी यही है कि राजा मर जाता है लास्ट में, बट जो जो मेन कैरेक्टर है वो जिंदा रहता है। सो दीज आर जस्ट जस्ट अ फ्यू एक्सेप्शंस फ्रॉम 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 लिटरली लिटरली थिंग्स। बस नहीं, यू आर राइट. मैंने भास वाले का एग्जाम्पल इसलिए दिया था बिकॉज दे समहाउ वांटेड, मुझे ऐसा लगा, हो सकता है ये बात गलत हो, एंड सॉरी मैं थोड़ा ड्रॉप कर गई थी, नेटवर्क का इशू था यहाँ पे. तो मैंने भास का एग्जाम्पल इसलिए दिया था बिकॉज वी नो दैट हिस्टोरिकली, या हमें कहानी पता है कि पांडवास को नहीं मार पाया था अश्वत्थामा, एंड फाइनली पांडवास टुक ओवर द रूल. बट उसको इन्होंने चेंज कर दिया था, मेकिंग ऑल्दो द हीरो डाइज, लेकिन फिर भी उन्होंने हीरो के साइड को विनर बना दिया था. आई विल नॉट से इट्स अ प्रॉपर हिस्ट्री, अ प्रॉपर कॉमेडी या प्रॉपर हैप्पी एंडिंग स्टोरी, बट एटलीस्ट इट्स नॉट द काइंड ऑफ ट्रेजिडी विच विल बी, अगर वो होता, अगर हम एक्चुअल स्टोरी दिखा देते व्हेन पांडवास वुड हैव बीन हैप्पी आफ्टर टेकिंग ओवर द लैंड. मैं ये कहना चाह रही थी, बट आई अग्री टू योर स्टेटमेंट एज वेल. आगे अगर हम चलें तो फिर जो एक तो ये तो खैर क्रिएशंस की बात हुई, इसके अलावा देयर वर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो उस पर हम ध्यान दे सकते हैं, विच वाज अबाउट द रिडक्शन ऑफ द ओल्डर टेक्स्ट. जैसे हमने पिछली बार भी कहा था, रामायण महाभारत उन दोनों के बारे में कहा जाता है कि अपने फाइनल फॉर्म में इसी इरा में आए थे अप्रोक्सीमेटली. हालांकि उसके बाद भी कुछ एडिशंस तो हुए ही होंगे, बट मोर और लेस यहीं पर आए थे. मेजर पुराणास, मेनी ऑफ द मेजर पुराणास इंक्लूडिंग भागवत पुराण, जिसको कि हम श्रीमद भागवतम भी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ये सारे के सारे फाइनलाइज इसी इन्हीं के इरा में हुए थे. इनफैक्ट अगर हम इसको एक जस्ट टू एड एज अ ट्रिविया फैक्ट, जो विष्णु पुराण जिसमें कि हमें फर्स्ट टाइम अ डॉक्यूमेंटेड डेफिनेशन मिलता है ऑफ द वर्ल्ड वर्ड भारत एंड भारती, भारत के बारे में उन्होंने लिखा है कि द एरिया बिटवीन द माउंटेन्स दैट इज हिमालयाज एंड द सी, जो कि इंडियन ओशन है, उसके बीच का जो एरिया है वो भारत है और वहां रहने वाले भारतीय हैं. ये पहला एटलीस्ट इन आर नोन थिंग्स, दिस इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड डेफिनेशन ऑफ भारत एंड भारतीय, और वो भी इसी इरा में बना है विष्णु पुराण भी. तो अगेन वील हैव टू से दैट हमारे भारत का एक प्रॉपर कल्चर, मैं इसको खैर ये डेफिनेशन एटलीस्ट ऑन अ लाइक अ स्टैम्प पेपर, ऑन अ डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, इंडिया का डेफिनेशन या भारत का डेफिनेशन भी इनके इरा में ही आया था, जबकि इनका रूल भी थोड़ा छोटा ही था कंपेरेटिवली. उसके अलावा बहुत सारी स्मृतियां इसी इन्हीं के इरा में बनी थी, जिनको कि जिन्होंने बहुत सारे जेनरेशन तक मोरल कोड कंटिन्यू किया था. देन अगेन अमर सिंह अमर कोश, विच इज द संस्कृत डिक्शनरी जिसको कहा जाए, द लेक्सिकन, वो इनके इरा में बना था. दिस वॉज इन द ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त टू आई गेस, एंड दैट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी टिल डेट कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक लेक्सिकन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज. और अगर आगे हम देखें तो दिन ये जो कामसूत्र है वो भी यही इसी आसपास बना था. और अगर लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो पाणिनी की अष्टाध्यायी या पतंजलि का जो वर्क था ऑन अष्टाध्यायी, उस पर सबसे ज्यादा काम या सबसे ज्यादा सपोर्ट इसी इरा में हुआ था, वेर द लिटरेरी वर्क्स एक्चुअली फॉलोड दीज काइंड ऑफ थॉट्स.
So I just wanted to add on the literary point. We can take over the other point, Prasoon ji, if you want. या अगर आपको इसमें नहीं नहीं मैं अगला, आपने अच्छा एक्सप्लेन किया लिटरेरी, आई थिंक सारा आपने लिटरेरी जो कंट्रीब्यूशंस है वो इनफैक्ट सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं हुए, उसके बाद अच्छा भी और उसके बाद भी चलते रहे, और देर वर किंग्स हु वर ग्रेट लिटरेरी फिगर्स ऑफ देयर ओन, हर्ष हो गए जिन्होंने एटलीस्ट 3 प्लेज लिखे, और